ये एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, इसने कांग्रेस के नेताओं को दो दिन की खुशी देने का काम किया है, इसलिए मैं एग्जिट पोल देने वालों को भी बधाई देता हूं। और मैं बधाई देता हूं इस चुनाव में जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों ने जो कड़ी मेहनत के साथ शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए, चाहे उसमें हरियाणा पुलिस हो, CRPF हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, और मैं बधाई देता हूं उन सभी सामाजिक संस्थाओं को भी जिन्होंने 100% मतदान इस चुनाव में हो इस प्रकार की लिए लोगों को प्रेरित करने का काम किया। और मैं बधाई सभी पत्रकार भाइयों को, सभी मीडिया कर्मियों को भी देता हूं कि आपने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपने भी इस चुनाव में लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मतदान करें, इसलिए सभी चैनलों ने भी अपील की और सभी ने जो वास्तविक स्थिति, जमीनी स्तर की जो स्थिति, सभी चैनलों ने दिखाने का काम किया। और इस चुनाव में जहाँ जहाँ जो छुटपुट घटनाएं भी जिस प्रकार से हुई हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग का या फर्जी वोटिंग का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट तक के भी जिस प्रकार से हुए हैं, वो आप सब ने अच्छे से दिखाने का काम किया है। और सभी वोटरों का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में अपने मत का प्रयोग करके हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक हमें मिला है, 20,629 बूथों से हमने जो रिपोर्ट ली है, जो आकलन आया है, इस 2024 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी सामने हो। सर, अगर ये स्पष्ट बहुमत से आपने कहा है कि सरकार बनेगी, अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो क्या विकल्प है आपके पास? विकल्प तो जब रिजल्ट आएगा, जब जनता उसका देगी जवाब और कांग्रेस वाले EOM को बताएंगे खराब, उसके बाद हम अपना जैसा भी मन, जैसा विचार, जैसी पोजीशन बनेगी, उस प्रकार से जिस प्रकार की आवश्यकता होगी वो बात करने का प्रयास करेंगे। तो जो क्षेत्रीय दल है, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, इनसे विकल्प खुला हुआ, बातचीत का रास्ता खुला? अगर कोई, मेरे को लगता है कि 100% स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, फिर भी अगर कोई आवश्यकता हुई तो निर्दलीय भी जीत के आने वाले हैं, उनने और दलों के भी जीत के आने हैं, जिस प्रकार की पोजीशन बनेगी फिर बाद में रिजल्ट के बाद हम बात करेंगे। केंद्र हाईकमान ने कोई रिपोर्ट भी तलब की है जो चुनावों के बाद क्या रिजल्ट की? चुनाव के बाद हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव की पल पल की खबरें, जानकारी हम देते रहते हैं और रिपोर्ट तलब नहीं करते हैं, वो हम खुद ही देते हैं और सारी जानकारी उनको भी रहती है और कार्यकर्ताओं के साथ सबका संबंध है, सब रिपोर्ट लेते हैं। और जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है, आज हम इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और हरियाणा की जनता ने जो बड़े मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर जो आशीर्वाद दिया है, उसी दम पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनेगी। सर, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID सर्वे, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, बहुत प्रदर्शन हुए, लोगों ने बहुत विरोध किया, फिर भी आपको लगता है कि स्पष्ट बहुमत? 100% स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और ये जो बहुत सारे आंदोलन राजनीतिक रूप से भी हुए हैं और बहुत सारे कामों पर जब आंदोलन हुए हैं, हमने उनमें सुधार भी किया है, लोगों को उस प्रकार